महोबा का कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय अपनी कारगुजारियों के चलते एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया, जहां विद्यालय की एक शिक्षिका ने वार्डन चपरासी और शिक्षक पर साजिश के तहत बच्चों के अभिभावकों को शह देकर पिटवाने का आरोप लगाया, जिसकी वजह से पीड़िता का 2.5 महीने का गर्भ गिर गया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का है, जहां स्थायी शिक्षिका के पद पर तैनात रेखा अनुरागी ने शहर कोतवाली पहुंचकर विद्यालय के वार्डन शालिनी पाटवा, चपरासी इब्राहिम, पार्ट टाइम शिक्षक प्रताप नारायण व उनकी पत्नी पूनम पर साजिश के तहत उन्हें अभिभावकों से विद्यालय में ही पिटवाने का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने विद्यालय निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से वार्डन की मनमानी व अव्यवस्थाओं की शिकायत की थी, जिसके बाद से वार्डन पार्ट टाइम शिक्षक व चपरासियों ने देख लेने की धमकी दे रहे थे। शनिवार सुबह जब वह क्लास में पढ़ा रही थी, तभी वार्डन ने उन्हें ऑफिस में बुलाया और आते ही वहां पहले से मौजूद बच्चों के अभिभावकों ने उन पर हमला कर दिया और बुरी तरह से मारपीट की, जिनकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई और करीब 2.5 महीने का गर्भ गिर गया। किस तरह से आप प्रताड़ित हुई है, किस तरह मारपीट किन लोगों ने करी है आपके साथ? क्या काम सारे साजिश के तहत हुआ है? हमारे यहाँ जो बॉर्डर शालिनी मैडम, बॉर्डर मैडम शालिनी पढ़वाए उनने, और पार्ट टाइम टीचर प्रताप नारायण पूनम और इब्राहिम चपरासी, इन्होंने मिलजुल करके गार्जियंस को बुलवाया, जिन जिनकी घरेलू संबंध है चपरासी की, और बुलवाया। इसके पहले 2-3 घंटे मुझसे कहा है कि वो उनकी मम्मी आएंगी, उनको सबक सिखा करके चली जाएंगी, और इसके बाद 2 घंटे का भी टाइम नहीं हुआ, हम लोग अपना काम करवा रहे थे, बाल सभा का काम करवा रहे थे हॉल में, मैडम आधा स्टाफ बिल्कुल नहीं था हॉल में, हम लोग अपना काम करवा रहे थे, ये सब लोग साजिश रच रहे थे ऑफिस में, और बुलवाया मुझे ऑफिस में, कहने लगे आइए रेखा मैडम आपको बुला रही है, थोड़ा काम है। हमने कहा ठीक है मैडम, हम आ रही है। फिर हम नहीं पहुँचे तो फिर बच्चों से बुलवाया, तो हम पहुँच गए, हम गेट के अंदर ही नहीं पहुँच पाए, वहाँ कैमरा नहीं था, जहाँ के गार्जियन को बिठा ला, हमारा साड़ी का पल्लू पकड़ के एकदम से मारना शुरू कर दिया। कौन से विद्यालय में आपके, आप किस पद पे? स्कूल में। क्या है आप वहाँ पे? फुल टाइम टीचर। कितने लोगों ने मारा? कितने लोग थे? बैठे तो 5-6 लोग थे वहाँ पर, लेडीज और जेंट्स सब लोग थे, पर उस लेडी ने मुझे बुरी तरीके से मारा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूप है। इब्राहिम, जिसका अपना नाम चपरासी है, वो उसके घरेलू संबंध है उन लोगों से। जेंट्स अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी वो 24 घंटे स्कूल में तैनात बने रहे थे उनके पापा। महोबा से UP24 न्यूज के लिए जिला संवाददाता संतोष कौशिक की रिपोर्ट।